हम निकल चुके हैं घर से और अभी हम डलवाएंगे सीएनजी। हम निकल चुके हैं सीएनजी डलवा कर। अभी हम आए हैं घर से 30 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो असली ट्रिप तो हमारी यहाँ से शुरू होने वाली है। चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं हम क्या क्या करेंगे। चक्राता उत्तराखंड, अभी हमको लगे 4 से 5 घंटे आराम से लगेंगे। चलो देखते और आपको भी दिखाते हैं। हम इस टाइम पहुंच चुके हैं पोटा साहिब। अब पोटा साहिब भी क्रॉस करने ही वाले हैं। बस यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से बचता है सिर्फ 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं है। 1.5 से 2 घंटे और लगेंगे। बाकी चलो देखते हैं, मैं अब तक एक्साइटेड हूँ पूरा, क्या नज़ारा आने वाला है, क्या व्यू देखने को मिलेगा। हाँ भाई था मैक नहीं, यह तो गुमसुम बैठे भाई, देखो ये भी गुमसुम, ये तो स्माइल कर रहा है। लो जी, हमारा पहाड़ों में स्वागत है। हम अपना स्वागत अपने आप ही करेंगे भाई। देख पा रहे हो नज़ारे, हाय हाय हाय, ये देख पा रहे हो जैसे आप। चक्राता 41 किलोमीटर रह गया। हम रुके थे बीच में और आपको दिखाता हूँ व्यू। वाओ और ये जो आगे, अभी आगे जाना है हमें, अभी 30 किलोमीटर और जाना है। चक्राता 30 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से भाई। एक बात देखी, नज़ारा आने वाला है फुल। मैं आए हाय, ये ऐसा एक्सपीरियंस फर्स्ट है मेरा। चलो देखते हैं, और इन दोनों का भी फर्स्ट है, क्या क्या करेंगे हम वो आप सबको दिखाएंगे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, पर जो भी है ना मस्त है। बहुत नीचे, वो देखो वो पानी आ रहा है इधर से। देखो जी बंदे खान लगे रोटी, ब्रेकफास्ट रब जाना कौन सा ब्रेक भाई। पता क्या कारण है यार खाना खाने का, क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाकर नहीं आया, तो अभी एक तो सर दर्द करने लगा और ऊपर से भूख लग रही थी। मैंने सोचा तो रोटी है तो खा लेते हैं, उसमें क्या है। बंदे देख के कच जोगर की वहां होते थे। यो एक बंदा मारा, पता नहीं क्या ढूंढता फिर रहा। खेत देख ना, खेत देख रहा भाई। यो गेहूं कहां गया, स्टेप बाय स्टेप। गेहूं नहीं मर जाने, आलू 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 कह रहा भाई। यो तो ए परमात्मा ले रहा थे दरवा पानी हम भी चलेंगे इधर। और चार रोटियां देखो, फोटो शूट करवाने के लिए वो देखो कहाँ गया, कैमरा निकाला और वो चला गया। और इधर से ट्रैफिक आ रही है ये भी आज। और इस साइड देखो खेत भी है यार, सब्जी सब्जी लगा रखी है कुछ। और वो रहा झरना जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही है, पर शायद वीडियो में ना आए पता नहीं, पर यार सही में यार मज़ा आया बहुत। अब मैं नीचे था, मैं भी नीचे था, अब मैं चढ़ता हूँ ऊपर और फिर देखते हैं क्या रहेगा सीन। भाई चढ़ना भी तो मुश्किल है थोड़ा। फाइनली हम चढ़ चुके हैं ऊपर। अरे बढ़िया है फोटो दो। और हम यहाँ से निकल चुके हैं, हमने यहाँ पर रील फोटो अपनी क्लिक करवा ली। और अगर आपको देखनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। लो जी हम चक्राता पहुंच चुके।
चुके हैं और ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से नज़ारे जो है, देखो बर्फ ग्लेशियर दिख रहे हैं यार यहाँ से। मुझे फील हो रहा है जैसे चक्कर आ रहे हो, पहली बार आए ना ऐसे। दिखे क्या बॉडी मांगती है रेस्ट। पूरे ढके नहीं है बर्फ के साथ ना। गाड़ी, ये गाड़ी हमने लगा दी और अब हम यहाँ से चले हैं। दो रास्ते हैं यहाँ से जाने के लिए, एक तो गाड़ी से भी जा सकते हैं और एक पैदल वाला। तो हमने सेलेक्ट किया पैदल वाला, पैदल वाला चलकर देखते हैं। 30 रुपये की टिकट है और 40 रुपये इन्होंने पार्किंग के लिए हैं। हम तीनों तो 130 रुपये लिए। तो देखो झरने की आवाज़ तो आ रही है, पर चलो, पर ये नहीं पता कहाँ से आ रही है, चलो जाकर देखेंगे। मजा आने वाला है। देखो हम जा रहे हैं, गलती तो नहीं कर दी पैदल वाला रास्ता लेकर हुए, पर जो भी है चलो आ तो गए, अब देखते हैं। हमें तो पौड़ियाँ उतरते हुए भी ये लग रहा है पौड़ियाँ कब ख़त्म होंगी, पर ये सच जब इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर क्या होगा हमारा, चलो देखेंगे अभी तो। भाई यहाँ पर हमारी टिकट चेक हुई और ये हम निकलते हुए, और जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था, जिस चीज़ का हमको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और जिसके लिए हम इतनी ऊपर से आए, वो रहा ये जो आप इसकी झलक देख चुके हो। ओहो ये है, इसको हम देखने के लिए आए। यहाँ पे भी कुछ लिख रखा है, देख लेना। और ये चलो जाते हैं और देखते हैं। तीन सौ बीस फुट से गिर रहा है ये। वाह, अरे वो सतरंगी बन जाए यार वहां तो, कुछ देखो कलर है नी, देखो कलर बना हुआ है यहाँ पर। वाह यार, हमारा यहाँ चल रहा है फोटो शूट और वीडियो शूट, जैसे कि आप देख रहे हो। पर यह बात है मज़ा आ रहा है, अगर यहाँ गर्मी का मौसम हो ना फिर यहाँ नहा भी सकते हैं, मज़ा आता है नहाने में। मैं भी आया जाकर, पर पानी की जो वो है ना बूंदे हल्की हल्की वो आती ही है, नज़ारेदार है यार, सही है। ओ देख कहाँ गया, देख। और ये अपना फोटोग्राफर, और वो देखो हम तीनों के दीवाना यहाँ पर कोई भी नहीं है, पता नहीं यार कोई भी नहीं आया ऐसा। दो लोगों का हमने ऊपर जाते हुए देखा, हम क्या है यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखो ये खाली, इधर भी खाली पड़ा है और इधर भी। वो वहाँ पर दो चेकिंग करने के लिए पुलिस वाले जरूर बैठे हैं। अभी इसके हाथ में कैमरा आ गया, अब इसकी फ़ोटो जी। हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब इस वाटरफॉल को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है हमारा, फिर आएंगे कभी अगर टाइम लगा या दिल की आने का, बस सही है। मतलब एक बार घूम सकते हैं, दोबारा देखेंगे। अभी
इसका तो हमने नज़ारा ले लिया। अब हमारी चढ़ाई है जो 1 से 1.5 किलोमीटर की, जो हमने सीढ़ियाँ चढ़नी हैं वो देखते हैं। अब हमने कर दिया चढ़ना शुरू। हाँ, ग्लेशियर में तैरा, देखो पानी। ये तो अभी थोड़ा मुश्किल रहने वाला है हमारे लिए, हमारी कार तक पहुंचना। चलो चलते हैं, जाना तो पड़ेगा ही हमें, जाना है यहाँ तक। ये दिख रहा है ना, यही ये वाला, यहाँ तक जाना है। इससे भी आगे है वो थोड़ा और, पर अभी तो शुरुआत हुई है हमारी और ये हाल हो गया। तो जी फाइनली हम आ चुके हैं, बस ये सीढ़ियाँ बाकी है। हम पता कहाँ से, ये जहाँ दिखते हैं ना, इनके पास से आए हैं, थोड़ा सा इधर जाकर है। चलो बस पहुँच ही गए अब तो भाई, बहुत मुश्किल हुई यार ऊपर आना। हम निकल चुके हैं वहाँ से, मैंने कुछ देर के लिए फ़ोन लगा दिया और फिर उसके बाद हमने कुछ खा लिया, इतना फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया। अभी चलते हैं हम चक्राता की तरफ, वहाँ देखेंगे होटल वाटल लेंगे या रुकेंगे, कुछ तो करेंगे। ये है हमारा रूम। ये वॉशरूम सही है। ओए मैंने दो रखे हुए हैं मोबाइल के, थोड़ी देर में आ जाएगा। और ये रूम पड़ा है हमें 1500 रुपये। ये यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बेड लगा देंगे। तो चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये है यहाँ का सदर बाजार, पर ठंडा है यार, पता नहीं क्यों, शायद हम गलत टाइम पे आए हैं क्योंकि गर्मियों में यहाँ ज़्यादा आते हैं ना। ज़्यादा दुकानें भी नहीं है पर कम भी नहीं है, ठीक है, मतलब मार्केट सही है यहाँ की। अभी हम चले हैं अपने रूम से तो आ गए, सही है रूम भी हमारा, सही है, अच्छा है, ठीक है। अब हम अपने रूम से तो आ गए, अभी हम चलेंगे घूमने के लिए। अब हम चले हैं चिरमिरी टॉप पे, चलो देखते हैं, चलते हैं वहाँ का, वहाँ से क्या व्यू देखने को मिलेगा हमें। बाहर तो एकदम ठंडी हवा यार, चलो चलते हैं यहाँ से और घूम कर आते हैं, सनसेट का व्यू देखेंगे अगर वहाँ से दिखा तो। बोला था यार अच्छा व्यू आता है वहाँ से सनसेट का, चलो चलते हैं। ये देखो गाइस इस टाइम हम कहाँ पर हैं, सही है यार यहाँ से व्यू तो बहुत बढ़िया है। सही है यार, अच्छा व्यू है यहाँ का भाई। यहाँ पर बैठते हैं और फिर देखते हैं सनसेट का व्यू भी देखेंगे, अगर यहाँ पर बैठे रहे नहीं आगे जाएंगे कुछ और देखेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है, जो देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। हमने खा लिया खाना, क्योंकि खाना हम घर से भी लेकर आए थे ना तो वो वेस्ट जाता, तो हमने सोचा इतने अच्छे व्यू पर बैठे हैं तो इससे बढ़िया साथ में खाना भी हो जाए, क्यों वेस्ट करना। तो हमने खा लिया खाना, वाह देखो, ओए होए होए क्या व्यू है यार, सही है ना व्यू देखो पीछे का।
हम चले अब अपने रूम की तरफ क्योंकि सूरज छिप चुका है, सनसेट हो गया, वो हमने देख लिया और वीडियो नहीं है वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं रूम की तरफ, रेस्ट करेंगे क्योंकि थकावट हुई और ये खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। लो जी, हम पहुंच चुके हैं अपना सामान लेकर और ये रहा हमारा और ये आगे का व्यू। चलो चलते हैं रूम के अंदर। ये हमारा तीसरा बिस्तरा, वैसे हम तीन ऊपर भी आ सकते हैं एक नीचे, पर हम दो ऊपर एक नीचे सोएंगे आराम से।